वीडियो में हम BNS042 का जो ब्लॉक सेकंड यूनिट है मैटरनल हेल्थ, उसका जो यूनिट नंबर सेकंड है एंटीनेटल केयर, इसमें से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप CHO की ट्रेनिंग के बाद पेपर देने वाले हो या फिर ट्रेनिंग के पहले फॉर द सिलेक्शन, और अदर स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल के लिए भी आप पेपर देते हैं तो उसमें भी ये जो एंटीनेटल केयर से क्वेश्चन आते हैं कि कितनी बार एंटीनेटल चेकअप के लिए विजिट करना चाहिए, या फिर जो LMP है उसको कैसे EDD कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। चलिए आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड डिस्कस करते हैं एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या है, जब कंसेप्शन कंसीव करने के बाद है, जो बेबी कंसीव करने के बाद से लेके डिलीवरी तक की जो केयर दी जाती है वो क्या कहलाती है, एंटीनेटल केयर। तो इवन 4 बार है जो मोस्टली विजिट करना चाहिए एंटीनेटल केयर, विजिट है तो कितनी होनी चाहिए, 4 बार होनी चाहिए था बेसिक। चलिए आज के इस वीडियो के MCQ हम देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि जो भी लोग नए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज EDD इज कैलकुलेटेड बाय, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो EDD कैलकुलेट करने के लिए वो बहुत सारी मेथड यूज की जाती है, बट जो मोस्टली यूजफुल मेथड है वो क्या है, LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ, उसमें 9 महीने और जोड़ने और साथ में 7 दिन और ऐड करना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो इससे जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट, तो एंटीनेटल विजिट है जो प्रीनेटल विजिट और एंटीनेटल विजिट है कितनी होनी चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, तो वो होती है 4, बेसिक कितनी है 4। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फिजिकल मोशन फेल्ट बाय मदर इज नोन एज, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है गायनेक का जो हर बार एग्जाम में आता है। तो जब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है माँ को वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्विकनिंग। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी, क्विकनिंग। तो जो प्रीमिंग ग्रेविडा होती हैं तो उनमें थोड़ा लेट पता चलता है 20 वीक्स में, बट जो मल्टीपैरा होती हैं कई बार बेबी कंसीव कर चुकी हुई होती हैं तो उनको ये कंडीशन है जो एज अर्ली फील होने लगती है कंपैरिजन टू प्रीमिंग ग्रेविडा के। नेक्स्ट इज पॉइंट्स इंक्लूडिंग बर्थ प्रिपेयरनेस आर, तो जहाँ पर डिलीवरी होने वाली है तो वहाँ पर कौन कौन से चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, लोकेट नियरेस्ट फंक्शनल FRU एंड 24/7 PSC फॉर रेफरल। तो यहाँ पर ये सभी कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, बर्थ प्रिपेयरनेस में सभी चीज़ें होनी चाहिए कि आप जहाँ से रेफरल करने वाले हों वहाँ पर PSC से रेफरल करने वाले हों वहाँ पर सभी चीज़ें उसी के आसपास कोई है जो CSC भी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इनकरेज करना चाहिए, और जो प्लेस है जहाँ पर डिलीवरी होने वाली है वहाँ पर है जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होनी चाहिए। हियर इज द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज साइन ऑफ लेबर इंक्लूड, तो लेबर पेन के क्या क्या साइन है। ऑप्शन है यहाँ पर अ ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज, दैट मीन्स द सो इट्स द फर्स्ट साइन ऑफ लेबर पेन। नेक्स्ट इज पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 20 मिनट और लेस। नेक्स्ट सी इज ब्लीडिंग, बट हियर इज द राइट आंसर इज A and B, क्योंकि ब्लडी सो और सो वेजाइनल डिस्चार्ज है और पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन है जो एवरी 20 मिनट्स और लेस के लिए रहेंगे, बट ये स्टॉप नहीं होंगे। सो हियर इज द आंसर इज डी, बोथ A and B। नेक्स्ट इज हाई रिस्क केसेस कैन बी, तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी पड़ी है आपने, बहुत सारी प्रेगनेंसी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो कौन कौन से केस में हो सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर ये वुमेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और ओवर 35 ईयर्स इन प्रीमिंग ग्रेविडा, तो ऐसी लेडीज जो बिलो 18 ईयर्स के प्रेगनेंट हुई हो या फिर 35 साल में उनकी प्रेगनेंसी कंसीव की हो, 35 के बाद वुमेन हु हैव हैड 4 और मोर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरिंग, तो ऐसी लेडीज जिसकी है जो 4 डिलीवरी हो चुकी हैं और ज़्यादा डिलीवरी होने वाली, शॉर्ट स्ट्रेचर प्रीमिंग ग्रेविडा,
कोई वुमेन है उसका स्ट्रेचर है, हाइट है, हेल्थ है वो कितनी है, शॉर्ट है स्पेशली हाइट, तो ये किस में आएंगी, सभी आएंगी हाई रिस्क केस में। नेक्स्ट इज टेबलेट ऑफ IFA आयरन फॉलिक, जैसे टेबलेट शुड बी स्टार्टेड इन, तो IFA कब से स्टार्ट करनी चाहिए, 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन कंसीव करने के बाद है, जो 14वें से 16वें वीक के अंदर है जो IFA आयरन फॉलिक ऐसे जो टेबलेट है उनको स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर कैल्शियम इन प्रेग्नेंट लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी में है जो डेली 1200 पर डे के हिसाब से कैल्शियम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू RDA के। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमियास कैन बी ए रिस्क फॉर, तो पॉलीहाइड्रोमियास की कंडीशन में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूड है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, दो कंडीशन किस में जाती है, पॉलीहाइड्रोमियास में। इसके कारण क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और जनरली किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में जो मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द BMI बाय, बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, जो BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, जो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेंस ऑफ डिक्रीज वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ट बाय अ फीटस इन टू पेल्विक कैविटी प्रायर टू लेबर इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड द लाइटनिंग। नेक्स्ट इज वुमन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमोस्फियर फॉर हर फ्यूचर बेबी बर्थ कैन बी साइन ऑफ, यदि कोई लेडी है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एटमोस्फियर क्रिएट कर रही है अपनी फ्यूचर में डिलीवरी होने के लिए,